दोस्तों जो भी समस्या आ रहा है VKSU मतलब कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा में, जब हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें बहुत काफी समस्या आ रहा है, तो इसका निवारण कैसे है? तो अभी हम कुछ बच्चों का फॉर्म को ऑनलाइन किए हुए थे, तो उसमें ये था कि उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP मतलब कि जो पासवर्ड होता है वह नहीं जा रहा है। और हम फिर से जब नया एडमिशन के लिए जब नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी बच्चे का, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ जो फॉर्म का डिटेल्स को फिल करना है, तो हम यहाँ पे बोर्ड को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेट करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर को करते हैं और यहाँ पे रोल कोड और लिखते हैं और यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं। देखिए इतना हम लिखने के बाद यहाँ पे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो इसके बाद जो आता है मैसेज कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे लिख दिया कि दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट टू फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि इस फॉर्म नंबर पर ये जो इस लड़के का हम कर रहे हैं, तो इनका फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, लेकिन इनके मोबाइल नंबर पे और इनके ईमेल आईडी पर OTP नहीं गया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर से करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इफ यू हैव लॉस्ट योर आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे रिसेंट पर हम लोग क्लिक करते हैं। मतलब कि हम पुनः इनके आईडी और पासवर्ड को मंगाने के लिए इस फॉर्म के ऊपर क्लिक किए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम 10वीं का रोल नंबर को लिखते हैं और यहाँ पे जो होता है 10वीं का उत्तीर्ण वर्ष उसे लिखेंगे और यहाँ पे बोर्ड कौन सा था उसे करेंगे सिलेक्ट। और यहाँ पे 12वीं का रोल नंबर मतलब इंटर का रोल नंबर को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंटर का जो उत्तीर्ण वर्ष है उसे लिखना है और यहाँ पे कैप्चा लिख के लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे गेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखता है कैप्चा इनकोरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैप्चा है वो रॉन्ग हो गया। तो हम फिर से यहाँ पे अपने कैप्चा को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा कैप्चा दिया हुआ उस कैप्चा को हम यहाँ से लिख लिए और देखिए फिर से हम यहाँ पे गेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेबल टू वेरीफाई योर डिटेल्स प्लीज ट्राई अगेन, मतलब कि इसे फिर से वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अभी देखिए क्या है, अगर आपको हम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो काफी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि VKSU का जो IT डिपार्टमेंट का जो टीम है वह इस पे काम कर रही है। ये वेबसाइट का फॉल्टिंग जब ये जो सर्वर पे जब ऑनलाइन होना चालू हुआ तो बहुत काफी लोग इस पे अपना ऑनलाइन करना चालू कर दे, इसलिए ये जो हमारा वेबसाइट है वो क्रोप्ट हो गया, सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो इस पे भी काम चल रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक ये वेबसाइट सही हो जाए तभी आप लोग काम कीजिएगा। जब तक ये वेबसाइट अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो किसी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, आपको बताना चाहते थे कि इस तरह का फॉल्टिंग आ रहा है तो आपको कुछ दिन और इंतजार करना है, 1 से 2 दिन, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।